वेलकम टू इंग्लिश इजी व्यूअर्स दिस वीडियो इज अबाउट एसे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड रिटन बाय डैरल बर्नार्ड एंड लॉन एडवर्ड्स इट्स फर्स्ट पैराग्राफ इज लाइक एन आउटलाइन दैट गाइड्स अस दैट व्हाट टॉपिक्स और व्हाट थीम्स आर गोइंग टू बी डिस्क इन दिस एसे व्यूअर्स पहला पैराग्राफ हमें ब्रीफली बताता है कि इस ऐसे में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे तो आइए हम सबसे पहले पैराग्राफ नंबर वन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो इसमें की गई वो तो ये है कि हम सब ही साइंटिफिक मेथड यानी साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके मुस्फ़ी होते हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं सबसे पहली बात जो वो कहते हैं या जो सबसे पहला फ़ायदा हम उठाते हैं उसके बारे में जब राइटर्स बात करते हैं तो उसको मैंने हेडिंग दी देंटेनेंस ऑफ हेल्थ कि सेहत को कैसे बरकरार रखना है दूसरे नंबर पर उन्होंने जिस टॉपिक पर बात की है दैट इज प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और नेक्स्ट टॉपिक जो उन्होंने डिस्कस किया दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स देन इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड द नेक्स्ट इज पीपल देमसेल्स सेल्स देयर वेज ऑफ लिविंग एंड हैव हैल्सो चेंज्ड न सिर्फ लोग तब्दील हुए बल्कि उनका तर्ज़ ज़िंदगी और उनका रवैया भी बदल चुका है और लास्ट पॉइंट है वी आर मोर क्रिटिकल बट लेस फ़ियरफुल देन आवर फोर फादर्स इसके बाद राइटर्स ने इन ही तमाम टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं बेटर कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ ये ऐसे हमें बताता है कि अगर हम आज से दो सौ साल पहले बीमारियों की सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि एक साल की उम्र तक पहुंचने के वाले बच्चों में आठ में से सिर्फ एक बच्चा ही ज़िंदा बचता था और बाकी सात बच्चे एक साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते थे फिर राइटर्स कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग बेबी थे और आप एक साल की उम्र तक पहुंच गए तो उसके बाद भी अभी ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि 6 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले आप स्मॉल पॉक्स का शिकार हो चुके होंगे और अगले छः साल में यानी बारह साल की उम्र तक पहुंचने से पहले आप मीजल्स यानी खसरा वो यानी काली काली स्कारलेट फीवर सुर्ख बुखार एंड डिफ्थेरिया और, और खुनाक जैसी बीमारियों से गुजर चुके होंगे यानी 12 साल की उम्र तक पहुंचने के लिए आपको इन बीमारियों से भी गुजरना होगा इन बीमारियों का मुकाबला भी करना होगा और इसके बावजूद भी जीने के लिए आपकी जंग अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि येलो फीवर मलेरिया टाइफस खोलरा टाइफॉयड फीवर एंड इवन इन्फ्लुन्जा ये बीमारियां भी जब एक बार फैल जाती तो फिर इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था ज़िंदगी की सूरत हाल बहुत ही गैर यकीनी होती थी वो शख्स जो इन तमाम बीमारियों से गुजर कर तीस साल की उम्र को पहुँचता था तो यकी वो बहुत खुशकस्मत इंसान ही होता था लेकिन आज साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल की वजह से सूरत हाल बदल चुकी है क्योंकि अब बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं जहां किसी बीमारी के लगने के इम्कान बहुत ही कम हो जाते हैं और मस्कुरा वाला बीमारियों का इलाज भी वहीं पे कर लिया जाता है ये साइंटिफिक मेथड ही है कि जिसकी बिना पर आज का इंसान सत्तर साल की उम्र तक पहुंचने की उम्मीद कर सकता है और ये सब अचीवमेंट साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल ही की वजह से हासिल हुई हैं क्योंकि साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हुए ही इंसान ने बीमारी की न सिर्फ वजूहत मालूम की बल्कि उनकी रोकथाम के तरीके और उनका इलाज भी दरियात किया इसीलिए मैंने इस पैराग्राफ को दो सब हेडिंग्स में डिवाइड किया नंबर वन हेल्थ कंडीशंस 200 हंड्रेड ईयर्स अगो दो साल पहले सेहत की क्या सूरत हाल थी राइटर ने पहले इस बात को डिस्कस किया एंड देन साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज़ इस ऐसे में डिस्कस किया गया नेक्स्ट टॉपिक है बेटर सैनिटरी कंडीशंस यानी सैनिटरी कंडीशंस को डिस्कस किया गया है कि आज से सौ साल पहले सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल थी और फिर उसने उसको कंपेयर किया है आज की सफाई सुथराई की सूरत हाल से तो सौ साल पहले की सैनिटरी कंडीशंस के बारे में राइटर्स कहते हैं कि स्ट्रीट्स वर एंड फूर्डली ड्रेनड इवन द हाउस होल्ड गारबेज एंड अदर रिफ्यूज वर ऑल्सो थ्रोन इन टू द स्ट्रीट्स और इन कूड़े खानों से खुराक हासिल करते हुए आवारा जानवर भी गली में फिरते दिखाई देते थे आउट डोर टॉयलेट्स यानी पाखाना वगैरह का इंतजाम घरों में नहीं हुआ करता था बल्कि आउट डोर टॉयलेट्स होती थी लोग आबादी से बाहर जाया करते थे और उनमें से बहुत सी जगह तो ऐसे कुओं के नज़दीक होती थी जहाँ से लोग पीने का पानी भी ड्रा किया करते थे तो ये सैनिटरी कंडीशंस थी हंड्रेड ईयर्स अगो फिर उसके बाद वो इन सैनिटरी कंडीशंस को आज के दौर की सैनिटरी कंडीशंस से कंपेयर करते हैं और वही तमाम चीज़ें जिनका हमने ऊपर जिक्र किया है इनके अपोज़िट सूरत हाल से हमें आगाह करते हैं कि टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेंड एंड दे आर क्लीनड रेगुलरली इट इज अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गारबेज इन द स्ट्रीट्स सूएज फ्राम ऑल सेक्शन ऑफ अटी इज कैरीड थ्रू सील्ड पाइप टू डिस्पोजबल प्लांट तो जो नुकत हंड्रेड इयर्स अगो सैनिटरी कंडीशन के अंडर डिस्कस किए गए थे उन सब का सोल्यूशन उसने बताया कि आज हम उन सब का सोल्यूशन हासिल कर चुके हैं देन द राइटर्स डिस्कस दैट हाउ डिड पीपल अरेंज वाटर इन द फास्ट तो हमें पता चलता है कि पानी घरों को नहीं पहुंचाया जाता था बल्कि लोग बर्तन लेकर दूर दराज इलाकों तक जाते जहाँ पे कोई वेल अवेलेबल होता था वहाँ से वो पानी अपने सरों पर कांधों पर या हाथों में लटका कर अपने घर तक लेकर आया करते थे और ये ना सिर्फ ये कि पीने वाला पानी बल्कि दूसरे घरेलू इस्तेमाल के लिए भी पानी इसी तरह दूर दराज इलाक़ों से लाना पड़ता था इसीलिए पानी के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा एहतियात की जाती थी क्योंकि वो दूर दराज इलाकों से उठाकर खुद ही लाना पड़ता था टेल्स दैट हाउ हैज़ लॉस एंजल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वॉटर लॉस एंजलिस ने पानी के मसले का हल किस तरह निकाला दे वाटर थ्रू पाइपलाइन आर एक्डक्ट फ्रॉम दिवर फाइव फोर्टी फोर किलोमीटर पाँच किलोमीटर दूर वाक दरिया से वो उस दरिया के पानी को लॉस ऐंजल्स तक पाइपलाइंस के जरिए या फिर जेर ज़मीन पानी के लिए बनाए गए खास रास्तों के जरिए से लॉस ऐंजल्स तक पानी लेकर आए नेक्स्ट थिंग जो राइटर ने डिस्कस की है दीज आर रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड हैं कि सौ साल पहले खाने की इतनी अकसाम मौजूद नहीं थी और प्रोडक्शन ऑफ फूड भी बहुत महदूद थी क्योंकि घर में ही उगाई गई ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल वगैरह हासिल की जा सकती थी और वो भी जो उस मौसम में हासिल होती थी यानी सर्दियों के मौसम की सब्ज़ियाँ और फल वग़ैरह सिर्फ सर्दियों में ही अवेलेबल होते थे और गर्मियों के मौसम के फल और सब्जियां सिर्फ गर्मियों में ही अवेलेबल होती थी क्योंकि उन्हें प्रिजर्व करने के लिए उन्हें महफूज करने के लिए इंसान के पास कुछ ख़ास तरीके मौजूद नहीं थे सिवाय खेनिंग फिकलिंग और ड्राइंग के या तो चीज़ों को डब्बों में बंद करके महफूज किया जाता या फिर उनका अचार बना लिया जाता और या फिर उन चीज़ों को खुश्क करके महफूज किया जाता था गोश्त को महफूज करने के भी तीन तरीके थे नंबर एक सॉल्टिंग नमक लगा कर उसे महफूज कर लेते थे दूसरा तरीका वही था जो पहले सब्जियों और फलों के लिए इस्तेमाल होता था यानी फिकलिंग अचार डालकर और तीसरा तरीका ड्राइंग गोश्त को खुश करके महफूज किया जाता था लेकिन साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल की वजह से इन सब चीज़ों में यानी प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ़ूड में जो तब्दीलियाँ आईं वो ये हैं कि हमने मेथड ऑफ डीहाइड्रेशन दरियाफ़्त कर लिया क्विक फ्रीज मेथड हमें हासिल हो गया हम चीज़ों को बहुत कम वक्त में फ्रीज़ कर सकते हैं और फलों को सिलेक्ट करने उनकी दर्जाबंदी करने यानि ग्रेडिंग करने के लिए हमने जदीद तरीके दरियाफ्त कर लिए जिनकी मदद से केंद में खानों को ज्यादा लंबा अरसा महफूज किया जा सकता है और इससे पॉइजनिंग का यानि जो फूड पॉइजनिंग हो जाती थी उसके ख़तरे को भी तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है फिर हम बात करेंगे बेटर एटीट्यूड्स की कि इंसानों का रवैया भी किस तरह से तब्दील हो चुका है ऐसे के इस हिस्से से हमें पता चलता है कि आवर इंसेस्टर्स वर अफ्रेड ऑफ ब्लैक हेड्स ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर थर्टीन कि हमारे जो आबाव अजदाद थे वो बहुत सारी चीज़ों से खौफजदा हो जाया करते थे जैसा कि ब्लैक हेड्स कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाती थी या कोई आईना टूट जाता था तो इन सब चीज़ों को वो बुरा शकून समझते थे और वो समझते थे कि ये हो जाने की वजह से या ये हो गया है तो ये इस बात की निशानी है कि उनका कोई ना कोई नुकसान होने वाला है और इसी तरह नंबर थर्टीन या किसी और हिंसे से भी खौफजुदा हो जाते थे कि यह हमारे लिए मनहूस है फिर राइटर कहता है कि नाओ वी आर लेस फियरफुल देन आवर फोर फादर्स और उसकी वजह भी वो यूजिंग द साइंटिफिक मैथड ही बताता है कि साइंटिफिक मैथड के इस्तेमाल ने ही हमें बताया कि हर वाक़े के पीछे कोई ना कोई अकली दलील मौजूद होती है कोई ना कोई लॉजिक मौजूद होता है जिसकी वजह से हमने अपने पुराने खौफों पर जिनसे हमारे बड़े खौफसदा हो जाया करते थे जिन चीज़ों से उन चीज़ों पर उन डर, उस डर पर उन खौफों पर हमने काबू पा लिया है और यही वजह है कि हम अपने आबाव अजदाद की नस्बत बहुत कम खौफजुदा हैं इस मौके पर ऐसे हमें यह भी बताता है कि अगर कोई शख्स किसी ख़ास किस्म का तावीज़ पहनने को अपने लिए हिफाजत का ज़ामिन समझता है तो फिर उसे आप जो मर्ज़ी समझा लें वो तावीज़ पहन कर ही अपने आप को महफूज तसवर करे और बग़ैर उस तावीज़ के वो बेचैन रहेगा इस किस्म की सोच और एहसास को हम सुपरस्टिशन्स कहते हैं यानी तोहम परस्ती वहम कहते हैं और वहम की जमा ओहाम कहते हैं यानी सुपरस्टिशंस और इन लोगों को हम सुपरस्टिशियस पीपल कहते हैं जो फिर अच्छी और बुरी किस्मत पर यानि बदशगनी और खुशगुनी पर यकीन रखते हैं और उनकी जिंदगियों पर इन चीज़ों का वाज असर मौजूद होता है फिर राइटर्स हमें बताते हैं कि साइंटिफ़िक मेथड ही के इस्तेमाल की वजह से हमने इसी किस्म के बहुत से अहम पर यानि सुपरस्टिशंस पर भी काबू पा लिया है पहले ज़माने के लोगों को ये भी वहम होता था कि बीमारियाँ भी कुछ बदरूहों की वजह से लाहक हो जाती हैं लेकिन साइंटिफिक मेथड की वजह से इन लोगों की तादाद अब काफ़ी कम हो चुकी है देन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रोलोजी इन पीपल्स लाइफ इस डिस्कस्ड के माजी में लोग इल्म नजूम और किस्मत का हाल बताने वालों पर भी यकीन किया करते थे लेकिन मुसनफ़ कहते हैं कि ये दोनों प्रैक्टिस आज भी जारी हैं यानी लोग अब भी इन चीज़ों पर यकीन करते हैं इल्म नजूम वालों को भी यानी नजूमियों को भी ऑस्ट्रो ऑस्ट्रोलॉजर्स को भी कन्सल्ट करते हैं और फार्चुन फौर, ठेलरस को भी वो आ, कंसल्ट करते हैं इसके बावजूद इन लोगों की तादाद काफ़ी कम हो चुकी है क्योंकि साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल की वजह से ही इट हैज़ बीन लर्न दैट देर इज ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीज़न फॉर एवरी थिंग दैट हैपन्स टू पीपल के लोगों के साथ वकूल पजीर होने वाले हर वाक के पीछे कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न मौजूद होती है इसलिए ज़्यादातर लोग अब इन चीज़ों पर जैसा कि ब्लैक हैड्स ब्रोकन मिरर्स एंड द नंबर थर्टीन इन पर अब ज़्यादा लोग एतबार नहीं करते देन द नेक्स्ट हेडिंग इज द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आवर कंट्री जो राइटर्स हैं वो अपने कंट्री की बात कर रहे हैं कि उनके मुल्क में अब भी जो सुपरस्टिशन प्रैक्टिस में हैं वो सुपरस्टिशंस लोगों की ज़िंदगियों पर किस तरह से अंदाज़ होते हैं और ये हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ये ऐसे हमें ये बात भी समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी आइडिया सिर्फ इस वजह से दुरुस्त साबित नहीं हो सकता कि वो एक लंबे अरसे से दुरुस्त तस्लीम किया जाता है दौर में आइडियाज़ को तस्लीम करने के लिए आपके पास किसी साइंसी तोजीह साइंसी वजह या लॉजिक का होना ज़रूरी है तो इस तरह यूजिंग दाइंटिफिक मैथड ने इंसानों की मदद की है उन्हें वसीु नज़र बनाने में यानी ओपन माइंडेड बनाने में लोगों के नजरिया तब्दील करने में लोगों को पुराने लोगों की नस्बत ज़्यादा क्रिटिकल यानी तनकीद करने वाले या ज़्यादा लॉजिकली सोचने वाला बना दिया है और अपने आबाओ अजदाद की नस्बत हमें लेस फेयरफुल भी बना दिया है तो व्यूअर्स ये सब वो अहम पॉइंट्स थे जो इस पूरे ऐसे में डिस्कस किए गए हैं और ये लीजिए नेक्स्ट पेजेस पर आपके प्रिंट करवाने के लिए आपके अपने नोट्स बनाने के लिए ये तमाम पॉइंट्स एक ही जगह इकट्ठे कर दिए गए हैं उम्मीद है व्यूअर्स के वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हुई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए Thank you very much.